नमस्कार। नमस्कार। एक बार हम फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव को लेकर सोशल मीडिया से लेकर और प्रिंट मीडिया तक में भी एक चर्चा शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार हैं मेयर के इस बार के लिए, काफ़ी उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं, जिनमें से एक पूर्व पार्षद नीरा तोमर का भी सोशल मीडिया पर नाम चल रहा है। आज उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सेक्टर 10 नीरा तोमर जी के निवास पर, और उनसे चर्चा करेंगे कि जो मेयर का चुनाव है, बीजेपी की तरफ से भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, इनकी क्या सोच है और ये किस तरीके से इस जो मुहिम है सोशल मीडिया पर इनको लेकर चल रही है, उसे क्या मानते हैं। नमस्कार मैडम। देखिए, 1994 में जब फरीदाबाद पहली बार नगर निगम बना, तब भी भारतीय जनता पार्टी सूरज के निशान पर अपने सिंबल पर लड़ी थी, और हम चार लोग पार्षद बने थे जिसमें तीन महिलाएं थीं और एक अपने केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी थे उसमें तो, और हमारे पार्षद दल के वो नेता थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग विपक्ष में थे, तो उस समय भी हम लोगों ने बड़े धरने प्रदर्शन दे करके अपने कामों को हम कराया करते थे। और तब से लेकर अब स्थिति यह है कि अब 7 साल अभी पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो अभी परसों ये ड्रॉ निकला है कि फरीदाबाद में मेयर का चुनाव महिला के लिए आरक्षित है, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि मैं भी एक महिला हूँ और पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी अगर मुझे मौका देती मैं चुनाव लड़ूँगी, और उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। हमारी पार्टी पूरी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, हमारा बूथ स्तर तक बल्कि पन्ना प्रमुख तक हमारा पूरी पार्टी की व्यवस्था चुनाव के लिए तैयार है। मतलब कयास बहुत सारे और कैंडिडेटों के भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, वो तो ये जो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मांगने का अधिकार सबका है। संगठन किसको चुनने के मतलब लड़ने के लिए नियुक्त करता है वो संगठन का अपना निर्णय है, और संगठन का निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। जैसा कि सुनने में जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है उनके पुत्र वधू का भी नाम आ रहा है, और भी जो यहाँ से चेयरपर्सन है महिला आयोग की उनका रेणु भाटिया जी का भी नंबर आ रहा है, और इन चीज़ों को लेकर पार्टी किस तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आप पुराने कार्यकर्ता हो, पार्टी को वो दौर देखा है आप लोगों ने जब पार्टी के लिए कोई हम जैसे भी पूछते थे कि भाई किसका बयान लिया जाए, बीजेपी का नेता कौन होगा जो इसके बारे में, जो ये सरकार है इसके बारे में कुछ बोल सके, तो वो दौर आपने देखा है। लेकिन आज जो पार्टी है, पिछले समय में भी हमने देखा है, 10 साल 8 साल की सत्ता आप लोगों की हो चुकी है, आपने पिछली बार भी विधानसभा के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी और को, आपको दरकिनार कर किसी और को दे दी गई, तो कहीं ऐसा ना हो। देखिए, ऐसा है कि जब शीर्ष नेतृत्व तो बैठता है तो बहुत सारी परिस्थितियों पे चर्चा होती है, तो उस समय क्या निर्णय होता है संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, वो सभी को मान्य होता है, तो उससे परे कुछ भी नहीं है, ना हम है ना कोई और है। मांगने का अधिकार सबका है, महिला है, कोई भी महिला मांग सकती है लोकतंत्र में, लेकिन एक कार्यकर्ता हो और पार्टी ये भी देखती है कि कौन सक्षम है, कौन सीट निकाल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि जीत की स्थिति को देखते हुए ऊपर का नेतृत्व भी निर्णय लेता है, वो अलग बात है कि भी जनता क्या निर्णय करती है, तो पार्टी का जो भी निर्णय है वो सबके लिए शिरोधार्य है और होना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बनी है, तो जो भी उसका निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। जैसा कि मेयर के लिए अनाउंसमेंट होगी, महिला सीट हो चुकी है जी। जैसे पार्टी ने तैयारी, आपने कहा कि पन्ना प्रमुख तक तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर के अंदर 8 साल हो चुके हैं आपकी सत्ता संभाले हुए आपकी पार्टी ने जी। लेकिन आज भी सड़कों की हालत, मूलभूत सुविधाएं इस शहर के लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में चुनाव के लिए किस मुंह से बीजेपी के लोग जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, जनता भी ये जानती है कि काम को होने में समय लगता है, और कई बार काम को होने में दिक्कतें भी आती हैं, जैसे हार्डवेयर बाटा, ये हार्डवेयर से लेकर के ये प्याली चौक तक की जो सड़क एक है, साल हो चुका इसको 1 साल हो गया बनने में, इसमें कहाँ जो बीच में नाला आया
तो मौसम आने, बरसात का मौसम आ गया तो उसको पानी को निकालने में, सुखाने में तो बहुत सारी दिक्कतें कई बार प्राकृतिक रूप से आ जाती हैं। तो सब जानते हैं कि भाई सड़कों का निर्माण हो रहा है, समय तो लगेगा। पहले जब बिटुमन वाली सड़कें बनती थी तो वो एक रात में बहुत लंबी सड़क बन जाती थी, अब कंक्रीट की सड़क है तो उसको बनने में और सूखने में, उसकी तराई वराई जब चलती है तो कम से कम भी एक महीने तक का समय लग जाता है। तो तब तक तो बाधाएं रहती हैं, ये तो आम जनता मान के भी चल रही है। जैसे जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप कह रहे हैं, पानी की व्यवस्था, ये चीजें बाधाएं बीच में आ रही है। जैसे बीजेपी के अभी एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वो 5 से 6 महीने में बना के तैयार कर दिया, क्या बारिश उस समय नहीं आई थी? देखिए व्यक्तिगत, ये ऐसा क्या है कि अगर वहाँ कोई ठेकेदार अलग था या यहाँ कुछ अलग लगा रखे हैं सरकार ने? देखो क्या होता है, सरकार की उस सिस्टम पे कमांड नहीं है जहाँ से ये काम होने हैं? ऐसा नहीं है, सिस्टम तो पूरा सिस्टम से ही काम करता है, लेकिन क्या कि जो जन उसके काम होते हैं जन सुविधाओं वाले, उसमें कई जैसे यातायात है वो भी रुकता नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं से डाइवर्शन करके या उस पर ही, तो वो जो समस्याएं हैं, अगर व्यक्तिगत कोई बना रहा है तो वो तो उसने अपनी इच्छा से बनाना है। अब जैसे कार्यालय का ही निर्माण हुआ, इतने कम समय में हो गया, तो वो एक छोटे से टुकड़े पे काम होना था और एक बिल्डिंग खड़ी होनी थी, तो वहाँ कोई इस तरह की समस्याएं नहीं थी और वो पब्लिक का वैसे काम नहीं था। तो जो जन सुविधाओं के काम है, कहीं पाइपलाइन डालनी है तो उसमें कहीं बीच में किसी का घर आ गया, किसी का रैंप आ गया, उन सबको मनाना, उन सबका अपने फेथ में लेके चलना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उससे हटके हो जाती हैं। अच्छा, मेयर चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएंगे अब इस बार, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं तो देखिए अभी 8 साल में पूरी नहीं कर पाए, क्या कहेंगे अब? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है कि गरीब को सुविधाएं दी जाएं। गांव गरीब और किसान की बात को लेके चलती है, तो शहर की जो बात है वो गरीब की बात है। तो हमारे जहाँ जहाँ क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों को डेवलप करना भारतीय जनता पार्टी का काम भी है, और उसी मिशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है कि अंत्योदय, अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद की जाए। तो जहाँ अच्छा, जहाँ आपने पार्टी के भी ये कथन है, पार्टी के नेता भी कहते हैं कि भाई अंतिम आदमी को लाभ पहुंचाना, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पिछले समय में भी कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं करण दलाल जी, उन्होंने भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों के नाम काट दिए गए राशन कार्ड से, तो कहाँ वो न्याय कहाँ कर रहे हैं कि लास्ट आदमी को जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसको लाभ देने का? अभी कल भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति या परिवार है कि जिसका नाम गलती से कट गया, तो उसके नाम को दोबारा से शामिल किया जाएगा। तो अगर किसी के ध्यान में ये बात है कि ये गरीब परिवार है या इसकी आय 1,80,000 पर वार्षिक आय से मतलब कम है या उतनी है, तो उसको दोबारा से शामिल किया जाएगा। और ये तक का है कि भाई उनके राशन कार्ड बना के उनके घरों पे भिजवाए जाएंगे, और अभी जो ये परिवार पहचान पत्र बना है इसके माध्यम से ये सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अभी कुरुक्षेत्र में इस तरह को एक मॉडल लेके चले हैं, और वहाँ पे जो 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 इस तरह के गरीब परिवार थे उनके घरों पे राशन कार्ड वितरित किए गए हैं, और वो लोग बहुत खुश हैं कि भाई सरकार ने, पहले तो ऑफिसों में चक्कर काटना पड़ता था लोगों को, लेकिन अब सरकार ने कार्ड बना करके उनके घरों पे वितरित किए हैं, तो वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसी तरह के कार्य को पूरे प्रदेश में आगे लागू की जा रही है सारी नीतियाँ। अच्छा, मैं बात वही मेयर की सीट को लेकर आता हूँ जी, कि क्या इस बार आपके समर्थक आपको टिकट दिलाने में सक्षम रहेंगे? आप लोग टिकट ले पाओगे, क्योंकि पिछले दौरान भी ये देखने में आया है कि जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत रूप बात है तो पार्टी के ध्यान में सारी चीज़ें हैं, और मैं ये मान के चलती हूँ कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो क्षेत्र हित में, और पार्टी के हित में भी होगा, क्षेत्र हित में भी होगा, और नगर निगम के हित में भी होगा, तो जो भी होगा वो अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद मीरा तोमर जी, जो तीन दशक हो चुके हैं इन्हें राजनीति करते हुए बीजेपी के साथ, और उस समय से ये बीजेपी की लड़ाई इस फरीदाबाद में लड़ रहे हैं जब हमें कोई बीजेपी का नेता नहीं मिलता था कि मीडिया में बयान देने के लिए भी। आज
उनको एक बार फिर एक महिला सीट मेयर की होने के बाद एक माइलेज मिली है राजनीति में। देखना ये है कि क्या अब पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को सीट देती है और चुनाव में उतारती है या नहीं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।